वेलकम टू ज़िंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं कुछ बातें ज़िंदगी को लेके बताना चाहती हूँ। आई एम नॉट अ मोटिवेशन स्पीकर, ना ही मैं कोई स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, बट सिर्फ जो मेरा ऑब्जर्वेशन है ऑन लाइफ, वो मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। गाइस, लाइफ क्या है, एक देखा जाए तो एक ट्रेन जर्नी है। या तो आप इसको एज अ ट्रेन जर्नी ले सकते हैं, या तो आप इसको एक ऐसा मूवी ले सकते हैं कि एक मूवी चल रही है एंड उस मूवी में हमारी एंट्री होती है। हमें इतना पता है कि हमें इस वर्ल्ड में आना, बट क्या हमें अपने जाने का पता है, हमारी वैलिडिटी कितनी है इस अर्थ में, कितना टॉक टाइम लेके हम यहाँ पर आए हैं, राइट? तो इसको हम एज अ मूवी देखें अगर, तो ये है कि लाइफ की मूवी चल रही है, जिस मूवी में मैं किसी की मदर हो सकती हूँ, किसी की बेटी हो सकती हूँ, किसी की बहू हो सकती हूँ, किसी की वाइफ हो सकती हूँ। वैसे हम सब के सब अपना एक रोल अदा कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, राइट? हमें ये नहीं पता कि इस रोल हम कब तक अदा करना है, तो क्यों ना हम जितना टाइम हम यहाँ पर हैं, क्यों ना हम इस लाइफ को बहुत ही अच्छे से जिए, बहुत ही स्ट्रेस फ्री होके जिए। बिकॉज गाइस, स्ट्रेस जो है ना वो बहुत कॉमन है, सब फेस करते हैं स्ट्रेस अपनी लाइफ। कई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, बट उसी टाइम क्या होता है ना, माइंड को चीज़ रियलाइज हो जाती है कि यार ये परमानेंट नहीं है लाइफ में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बार बार अपने आप को एक चीज़ रिमाइंड करते रहें कि कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। दुख आएगा वो परमानेंट नहीं है, सुख आएगा वो भी परमानेंट नहीं है, क्यों ना हम एक बैलेंस स्टेट में लाइफ को जी। आज की वीडियो गाइज मैं शेयर करूँगी अपनी दादी को लेके। मेरी दादी अब नहीं है, बट क्या था कि जब हम छोटे थे तो हम कई मेमोरीज उनकी कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे ना वीडियोस इतना नहीं ट्रेंड था, यूट्यूब का तो ट्रेंड था ही नहीं, और कैमरेज भी रील वाले होते थे, सो मेरे पास जो पिक्चर्स हैं वो एकदम क्लियर नहीं है। सो मैंने सोचा कुछ दादी की मेरे पास वीडियोस थी अपनी, मेरे पास साथ तो नहीं पर मेरी डॉटर के साथ थी कुछ उनकी यादें, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर करूँ वो यादें। हम तो चले जाते हैं, राइट? हम अपना रोल अदा करके चले जाते हैं, बट बाद में क्या होता है, मेमोरीज ही बची रहती है जिनके थ्रू हम जीते हैं, जिनको हम बार बार चेरिश करते रहते हैं, राइट? इट वाज नॉट इजी फॉर मी कि मैं ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि जितनी बार मैं ये वीडियो बना रही थी उतनी बार दादी के थॉट्स आ रहे थे और फिर वही इमोशनल। अब क्या होता है कि मेरी दादी नहीं है ना, तो अब मैं जैसे कोई भी ओल्ड लेडी देखती हूँ, आपने मेरा गाँव का ब्लॉग देखा होगा ससुराल का, तो मैं कोई भी ओल्ड लेडी देखती हूँ तो मैं उसमें अपनी दादी देखती हूँ, कि लगता है यार ये मेरी दादी जैसी हैं, क्योंकि अब दादी तो है नहीं, तो कई उनकी तो यादें हैं, तो उन्हीं यादों को दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। क्योंकि जब मैं ब्लॉग एडिट भी कर रही हूँ तो कुछ कुछ दादी की यादें, सिंस वो नहीं है तो कुछ कुछ उनकी जो यादें हैं हमारे साथ में, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि इस ब्लॉग को एडिट करना। और यू नो आई वाज थिंकिंग कि पता नहीं बोलूँ ना बोलूँ, बट यू नो आई वांट टू स्पीक, मुझे बोलना है, बिकॉज आई वांट टू मेक एवरीवन रियलाइज कि लाइफ का नहीं पता। दादी तो बहुत अच्छी है अपनी, दादी तो 98 इयर्स में दादी की डेथ हुई है, काफ़ी अच्छे से दादी ने अपनी पूरी लाइफ जी है, क्योंकि वो पहाड़ में रहे, खान पान उनका पूरा ऑर्गेनिक था, तो उनको बहुत अच्छे से, काफ़ी हार्ड वर्किंग स्ट्रगलिंग लाइफ तो नो डाउट उनकी बहुत रही है, बट ये था कि बहुत अच्छे से अपनी पूरा लाइफ सर्कल कम्प्लीट करके वो गई हैं अच्छे टाइम पर, बिकॉज जाना तो सब ने एक ना एक दिन है। यू नो एट द सेम टाइम श्री श्री रविशंकर जी से भी मैं जुड़ी हूँ, तो उनके 5 पॉइंट्स हैं कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, बिकॉज हमें अपने आने का पता है, अपने जाने का नहीं पता। जितना टाइम हम इस प्लानट में है ना, बहुत अच्छे से बहुत मस्त होकर इसको जियो। डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, दूसरों के हिसाब से मत जिए अपनी लाइफ की, दूसरा क्या सोचेगा क्या करेगा, वट एवर आपको जो चीज़ ठीक लगती है ना आप उसको करिए। लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, दादी मेरी 98 ईयर्स में दादी की डेथ हुई, 28 नवंबर से थोड़ा दादी का क्या था, उनको डिमेंशिया, पिछले 9 साल से उनको डिमेंशिया चल रहा था, एंड वो क्या होता, एज फैक्टर भी उनको था कि उससे क्या हो रहा था, उनकी जो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, उनका शुगर लेवल, उनका ब्लड प्रेशर पापा हमेशा मॉनिटर करते थे, बहुत ही वो, मेरे पापा मेडिकल लाइन से हैं, वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं दादी को, सबकी हेल्थ को लेके, सो वो हमेशा रात को घर आना, बीपी चेक करना, बीपी की मेडिसिन खुद दादी को खिलाना, सब कुछ अपने आप करते थे। एंड कहते ना वो बहाने होते हैं, डिमेंशिया के कारण दादी का बीपी ठीक था, दादी का शुगर लेवल टिल डेथ बिल्कुल ठीक था, द ओनली ड्रॉबैक वॉज एज फैक्टर की वजह से, डिमेंशिया की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो रही थी धीरे धीरे करके। सो सिर्फ ये रीज़न था, ये बहाना था जाने का दादी का। आई थिंक 28 नवंबर को दादी की तबीयत बिगड़ी एंड 2 दिसंबर को वो उनकी भगवान के पास वो चली गई। एंड तो यही है अबाउट लाइफ कि हमें पता नहीं है कब तक इस प्लैनेट में हैं,
और तो इसको हम क्यों ना अच्छे से जिए, ये दादी की वीडियो है गाइज, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अब जो मेरी दादी तो नहीं है बट उनकी हरकतें मैं अपनी बेटी में देखती हूँ। कई बार ऐसा हुआ है दादी उसको हल्के से मार देती थी, फिर भी वो बहुत इंजॉय करती थी दादी के साथ, वो बूढ़ी नानी बुलाती थी तो कुछ भी दादी एक्टिविटी कर रही है इमिटेट कर रहा दादी को, उनके साथ ही रहना। सो काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं अबाउट लाइफ एंड अबाउट दादीज़ वीडियो। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। बातें करती हैं, खेलती हैं, किताबों का आदान प्रदान करती हैं, इशारों इशारों में बात करती हैं, दोनों ही बहुत मस्त रहती हैं। काफ़ी समय माताजी का टीवी देखने में गुजरता है और अपना समय को व्यतीत करने में। माताजी का अधिकतर समय गांव में बीता। सन 1990 से लगातार श्रीनगर में रह रही हैं और अपना आशीर्वाद पूरे परिवार बनाए हुए हैं। आना जुयाल ते माताजी को। खानो लानू छो वा बेस्ट।